मामला तो सारे पाकिस्तान का है, तो सिर्फ आप ही क्यों निकले? आप कहाँ से आए? सारे लोग ही निकल आए। लोगों ने ऐसा निज़ाम बनाया है, ऐसी हथकड़ियाँ बनाए हैं कि लोग बाहर निकल नहीं सकते। इस ज़ालिमाना निज़ाम की वजह से जो लोग बाहर निकलते हैं इनको पकड़ लेते हैं, इनको ज़बरदस्ती अभी जो ये लोग करवा रहे हैं दूसरी पार्टियों से, दूसरी सियासी तहरीकों से ये जो लोग करवा रहे हैं, इनको ज़बरदस्ती जो है जेलों में डाले जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत काम है। कानून के खिलाफ कुर्सी है, ये आइन के खिलाफ बाहर निकल आए हैं। हम हर तरह की मुजाहिमत के लिए तैयार हैं और हम आपके साथ के साथ खड़े हैं। हम हर तरह की मुजाहिमत के लिए तैयार हैं, आपके साथ के साथ खड़े हैं। होने के बावजूद जो है कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम हाफिज नईम रहमान की एक कॉल के मुंतजर हैं और हम किसी तरह की भी मुजामत करने को तैयार हैं। ये कहा जा रहा है प्रिजन वैन में जो इस वक्त गिरफ्तार जो हैं वर्कर हैं वो उनका कहना है और नारे बुलंद किए जा रहे हैं, नारे तकबीर की कि हम इस वक्त हर मुजामत के लिए तैयार हैं और हम अमन चाहते हैं, अमन का नारा लगाते हैं और लगाने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं। ये कारकुनान का कहना है। इस वक्त डी चौक के ये मनाजिर हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त लाइव एंड एक्सक्लूसिव। इस वक्त डी चौक में जो है ट्रैफिक अगर जो कहा जाए वो जो उसके मुलहिका साथ जो रस्ते हैं वो जो है उनको इस वक्त खोला गया है, बाकी जो मेन डी चौक है वो कंटेनर्स लगा के उसको सील किया गया है। ये मनाजिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मीडिया के नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं, वर्कर्स वक्तन वक्तन यहाँ पर पहुँचते हैं और डिफरेंट इधर आउटसाइड इनसाइड एरियाज़ में मौजूद हैं जो बैठे हुए हैं, जो तादाद बढ़ने के इंतज़ार में है कि जो ही तादाद यहाँ पे बढ़ेगी तो यहाँ पे जो है एक प्रॉपरली धरने की जो है शक्ल अख्तियार की जाएगी। आवेद नईम रहमान साहब से कहा गया, आज एक कॉल दी गई कि जैसे ही आप कंटेनर लगे हुए देखें, जहाँ पर भी आप कंटेनर नज़र आए वहीं पर बैठ जाएँ, धरना दे दें वहीं पर बैठ जाएँ और हर सूरत में मैं 6 बजे के बाद कारकुनान के हमरा यहाँ पे पहुँचूँगा। तो आप देखते हैं हाफिज नईम रहमान साहब यहाँ पे पहुँचते हैं या नहीं। बहरहाल जी इस वक्त डी चौक के मनाजिर हैं, आप उन स्क्रीन में देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर पहले बेशुमार गिरफ्तारियाँ अमल में लाएंगी, वक्तन वक्तन जो गिरफ्तारियों का अमल है वो जारी है और वक्तन वक्तन गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये एक और गिरफ़्तारी हो गई है, आपको इस वक्त मनाजिर दिखाते हैं, आप इस वक्त देख सकते हैं गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। ये मनाजिर हैं इस वक्त डी चौक के, जितने भी यहाँ पे कारकुनान मौजूद, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो बुज़ुर्ग हैं या ख़वातीन हैं, जो भी यहाँ पे पहुँचती हैं उनको यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उनको यहाँ से दर लिया जाता है। ये इस वक्त मनाजिर हैं, आप इसमें देख सकते हैं इस वक्त जो हैं गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। ये मनाजिर हैं आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें बेशुमार जो हैं कारकुनान को यहाँ पर गिरफ़्तार किया जा रहा है। ये इस वक्त मनाजिर हैं, आप पीछे भी ख्याल रखा पैसेंजर वैन में डाला जा रहा है और यहाँ से लेकर जाएंगे। ये मनाजर आप देख रहे हैं, पैसेंजर वैन में बंद कर दिया गया है। यहाँ आ रहे हैं किया जा रहा है शिक्षा के एक और कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हो चुका है के अंदर, इससे पहले भी मौजूद है और मजीद लोगों को गिरफ्तार करके बुजुर्ग के साथ जैसे जैसे यहाँ पे पहुँचते हैं, पहुँचने से पहले वो गिरफ्तार हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं और कई मार्च के लिए इस वक्त ये लाइव मनाजिर हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं इस वक्त गिरफ्तारियों का अमल जारी है। वक्तन फक्तन कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हैं डी चौक इस्लामाबाद के ये मनाजिर हैं और जूँ ही कारकुनान यहाँ पे पहुँचते हैं इस मेन मरकज़ में, डी चौक मरकज़ है जब जहाँ पे सामने आपके पार्लियामेंट हाउस है, साथ आपके ईवान सदर है और साथ ही आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौजूदीन अदलिया मौजूद है, उसके सामने कंटेनर्स लगा के रस्ते बंद कर दिए गए हैं और जो ही इस मेन मरकज़ में कारकुनान पहुँचते हैं उनको धर लिया जाता है, उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया जाता है। ये इस वक्त मनाजिर हैं डी चौक इस्लामाबाद के लाइव एंड एक्सक्लूसिव ये मनाजिर हैं। जो ही यहाँ पे तादाद बढ़ती है कारकुनान की, साइड्स पे कारकुनान बेशक मौजूद है लेकिन कारकुनान की तादाद जैसे ही बढ़ती है उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये इस वक्त लाइव एंड एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है और यहाँ पे जो है दफा 144 के नफाज के बाद यहाँ पे जो भी कारकुन यहाँ पे पहुँचता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये इस वक्त लाइव एंड एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं।
आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखे हुए हैं, आपको लम्बा बलम्बा अपडेट रखे हुए हैं। इस वक्त लाइव एंड एक्सक्लूसिव ये मनाजिर हैं डी चौक इस्लामाबाद के। जैसे ही यहाँ पे कारकुनान का मजमा लगता है, मजमा बढ़ता है, तादाद बढ़ती है, कारकुनान को धर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस वक्त बराह रास्त मनाजिर हैं आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, वक्तन वक्तन आपको आगाह रखे हुए, लम्बा बलम्बा आपको अपडेट रखे हुए हैं। जो अभी नई डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है आपको लम्बा बलम्बा अपडेट रखे हुए हैं। इस वक्त बराह रास्त ये मनाजिर हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं ये इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद के मनाजिर हैं, जिसमें इस वक्त लगातार पिछले दो घंटों से गिरफ्तारियों का अमल जारी है। वक्तन वक्तन कारकुनान की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। देख सकते हैं इस वक्त एक और गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस वक्त जमात इस्लामी के कारकुनान को वक्तन वक्तन गिरफ्तार किया जा रहा है। ये मनाजिर है, आप देख सकते हैं, मनाजिर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मनाजिर धरने पर आए शुरुआ को वक्तन वक्तन गिरफ्तार किया जा रहा है। ये है मनाजिर, आप लाइव एंड एक्सक्लूसिव अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। इस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है वर्कर्स की काफ़ी तादाद गिरफ्तार किए, जिनमें वक्तन कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। वक्तन वक्तन गिरफ्तारियां हमारे में लाई जा रही हैं और ये वो कारकुनान है जिनमें उम्र रसीदा कारकुनान ज़्यादा मौजूद है। ये आप देख सकते हैं मनाजिर, इस वक्त कारकुनान की जो है गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव मनाजिर आप स्क्रीन में इस वक्त देख सकते हैं। जमात इस्लामी का आज एक एहतजाज की कॉल थी और यहाँ इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का जो है नफाज है, और उस नफाज को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद पुलिस जो है कारकुनान को यहाँ जमा होने से रोकते हुए यहाँ पे गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही है। मनाजिर हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुबह गिरफ्तार करके प्रिजन वेंस में डाला जा रहा है कारकुनान को। ये इस वक्त लाइव एंड एक्सक्लूसिव मनाजिर है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव इस वक्त नाजिर है। गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, कारकुनान यहां पे काफ़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए हैं और आज दफ़ा 144 का नफाज है, और उसके नफाज के पेश नज़र यहां पे जो है गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। ये आप मनाजिर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त बरह रास्त ये मनाजिर हैं, पानी दे।